दर्शन करने पहुंची तान्या शर्मा। तान्या को आप सभी साथ निभाना साथिया में मीरा मोदी के किरदार में देखते आए हैं। गणपति से मांगी तान्या ने ढेर सारी विशेष। न्यूज नेशन की टीम भी तान्या के साथ गणपति दर्शन के लिए पहुंची और तान्या से जाना उनका गणपति कनेक्शन। मेरे साथ इस वक्त तान्या शर्मा है जो कि अंधेरीचा राजा के दर्शन के लिए आई है। कैसे तो तान्या दर्शन हो गए, किस तरह का फीलिंग है आपका इस वक्त? बस मुझे फेस्टिवल सबसे प्यारा लगता है क्योंकि बप्पा दिल से बहुत 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 पास है। तो जब भी बप्पा का फेस्टिवल आता है हम लोग सब मस्ती में झूम जाते हैं एंड आई गेस इट्स द फर्स्ट डे, तो इट्स जस्ट द बिगनिंग क्योंकि अभी और बहुत 10 दिन मस्ती करने हैं और बप्पा को परेशान करना है मांग मांग के कि ये दे दो वो दे दो ये दे दो। मन से भक्ति भाव से आप आराधना कर रही थी अभी, तो क्या कुछ भक्ति भाव से कुछ आराधना नहीं होती, इट्स जस्ट दैट कि भगवान लाइक ऑब्वियसली भगवान जी आपको जानते हैं अंदर से, यू कैन प्रिटेंड इन फ्रंट ऑफ गॉड, तो कितना भी आप कुछ भी कर लो लेकिन अंदर की बात तो वो पहचान ही जाएंगे। और बस मैं चाहती हूँ कि मैं एकदम अंदर वाली बात भगवान जी को बता दूँ। तान्या और गणपति में कुछ कॉमन है जो तान्या ने खुद डिस्क्लोज किया। और एक और जो सिमिलैरिटी है जो बप्पा और मेरे में बोली जाती है दैट आई हैव बिग इयर्स लाइक हिम। और इस बात से तान्या काफी खुश भी है और एक्साइटेड भी कि आखिर जो गणपति उनके दिल में बसते हैं उनके साथ होता है उनके कानों का कंपैरिजन। मैं तो उनको लकी समझती हूँ क्योंकि जब भी मुझे बोलते हैं अरे बप्पा के कान, तो लाइक हाँ गुड प्रेज मी। कितने फ्रेंड्स के घर गणपति के दर्शन करके आई है? अभी तो सिर्फ 4-5 के हुए, अभी तो इतने दिन बाकी है, पता नहीं 30 भी इनके घर में आशीर्वाद लेने जाना है पापा के। पापा हर जगह है बट उनकी डिफरेंट मूर्तियाँ देखना इज मोर एक्साइटिंग एंड लाइक आई लव टू सी, तो देखेंगे सबके दर्शन करेंगे। सबके दर्शन अंधेरीचा राजा के अलावा क्या कुछ प्लान? इस बार कोई प्लान्स नहीं है क्योंकि पहले हम गणपति जी रखते थे घर में लेकिन अध्यापन कर दिया, तो आई मिस पापा। पर अंधेरीचा राजा में हम लोग आए हैं विच आप देख सकते हैं कि कितनी सुंदर और कामिंग मूर्ति है, मुझे उनका ऐसा रूप बहुत पसंद है। आपके घर पे यू नो फेस्टिवल्स ऐसे गणपति के होते हैं, कुछ मेमोरीज है बच्चे? हाँ फेस्टिवल्स की मेमोरीज तो बहुत है क्योंकि जब भी हम बप्पा रखते थे घर पे तो फ्रेंड्स आते थे घर पे, इट्स ऑलवेज आई ऑलवेज फील कि जब भी बप्पा आते घर पे तो बहुत सारी खुशियाँ लाते हैं साथ में और टुगेदरनेस, सब लोग घर पे आते हैं मिलजुल कर खाना खाते हैं प्रसाद खाते हैं, सो आई थिंक इट्स अ लवली टाइम। तान्या भले ही अपनी फिटनेस का काफी ख्याल रखती है बट व्हेन इट्स कम्स टू मोदक और गुलाब जामुन वो अपने आप को रोक नहीं पाती और फुल ऑन इन मिठाइयों का गणपति को भोग लगाकर खुद भी करती है सेवन। तान्या को पर्सनली मिठाई कितना पसंद? मुझे मैं बताऊं मुझे चॉकलेट बिल्कुल पसंद नहीं है, आई डोंट हैव अ स्वीट टूथ, लेकिन मुझे रसगुल्ला और मोदक मेरे फेवरेट है, मैं उनके बिना मतलब जी नहीं पाती क्योंकि सिर्फ दो ऑप्शन है मेरे पास लाइफ में तो मैं सिर्फ वो ही हॉक करती हूँ और एक तो आपको पता ही है फेवरेट है पापा के। वैसे तो हर किसी के लिए विशेष होती है काफी सीक्रेट, लेकिन इस सीक्रेट का तान्या ने किया न्यूज नेशन पर खुलासा। तो क्या कुछ मांगा इस बारी ब्लेसिंग्स के अलावा? न्यूज में बताते नहीं हैं लेकिन बस मैं ये चाहती हूँ कि वो मुझे और मेरे परिवार को हमेशा अपनी छत्र छाया में रखें, दैट्स व्हाट आई वांट। चलिए गणपति ढेर सारी शुभकामनाएं आपकी झोली में डाले और आपने जो विश गणपति से मांगी है वो भी फुलफिल हो जाए। पूजा नवा थे न्यूज नेशन मुंबई।